वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बेसिकली मैं चर्चा किस बात पे करने वाला हूँ कि कल एक बंदे ने मैसेज किया, उसने बोला सर 6 घंटा मैं पढ़ता था एग्ज़ाम्स के पहले, बहुत पढ़ा था तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप यदि इतना आवर्स पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका 2 से 3 कारण है। क्या आप लोग भी इनमें से हैं, जैसे 6-7 घंटा पढ़ने के बाद भी आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है नेवी एमआर का? तो आप ये वीडियो गौर से देखें, और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 से 7 घंटा पढ़ के एग्ज़ाम्स के लिए, तो क्या बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए जो आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर ले, और यदि सेकेंड अटेम्प्ट है तो भी कर ले। जो कोई भी अटेम्प्ट हो, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ बातें जो फैक्टर्स होती है उनके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए, जो पहला बात है, जो आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं उसका सिलेक्ट होने का रीज़न क्या है, ना होने का रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो पाए? पहला बात है, आपको सही से किसी का गाइड नहीं मिला, पहला बात है। दूसरा बात, आपका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है ना हो पढ़ाई में, मन से ना पढ़ते हो, एक औपचारिक रूप में पढ़ते हो, दिखाने के लिए पढ़ते हो, ये हो सकता है घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ लड़का इतना पढ़ रहा है, ये एक हो सकता है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन ना की हो, ठीक है। ये हो गया तीसरी बात, कितने लोग सिलेबस देखते नहीं हैं और प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं, इन सब बातों से ध्यान रखना। चौथा फैक्टर क्या होना चाहिए, चौथा फैक्टर आपका क्या है, आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब बुक जो आप लिए हैं क्या वो बुक अच्छा है, क्या वो बुक काफ़ी है आपके प्रिपरेशन के लिए, ये चौथा बात है बुक। पांचवा बात, आप किससे पढ़ रहे हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ठीक है, यूट्यूब में कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिट देगा या नहीं देगा, आप वैसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिन्होंने कभी एग्ज़ाम्स ना दिया हो, या फिर ज़्यादा उनके पास नॉलेज ना हो, तो वो भी एक बात हो सकती है। पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट, आपको कोई मिसगाइड कर दिया हो कि भाई पेपर इजी आता है, नॉर्मल पढ़ने से हो जाएगा, ये किसी ने मिसगाइड किया हो। सातवा, आपने जो पढ़ा हो वो आपके एग्ज़ाम्स में ही ना आया हो, ऐसा भी हो सकता है, ये डिपेंड अपन लक है। मतलब आपने अच्छा पढ़ा, समझिए 75% आपने सिलेबस कवर करके गया अच्छा से, और जो 25% था उसे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, हो सकता है वही 25% में से आपका सिलेबस में ज़्यादा क्वेश्चंस आ गया हो। एक बात और क्या बात है कि आपने क्वेश्चंस किया, कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं किया, आपने क्या किया 200-300 क्वेश्चंस कर लिया हर चैप्टर्स का, एंड उसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं, वो हो सकता है। एक हो सकता है कि आपने रट के गए थे एग्जाम्स में, पर रटा हुआ कुछ फंसा ही नहीं आपका, ये हो सकता है एक और कारण। तो 8 से 10 कारण है कि आप जो पढ़े हैं उसमें से भी नहीं आया, और आप लोगों ने जो बुक प्रेफर किया हो सकता है वो बुक सही ना हो, हो सकता है आप सही से प्रैक्टिस ना किए हो, हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट क्लास कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लासेस हो सकता है आपने किया था बट आपने उसका प्रैक्टिस नहीं लगाया, प्रैक्टिस नहीं किया, या सिर्फ प्रैक्टिस किया कॉन्सेप्ट नहीं किया, ओनली प्रैक्टिस किया कॉन्सेप्ट नहीं किया, ये भी हो सकता है। ये कुछ 8 से 10 रीज़न मैंने बताया, बेसिकली यही रीज़न होते हैं। आप लोगों अपने भी सोच सकते हैं कि रीज़न यही है, एक तो क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन ना फंसना, एक हो सकता है कुछ लेंदी क्वेश्चन आ जाना, दूसरा क्वेश्चन कि आप लोगों में से कोई एक पार्ट में कमज़ोर हो, जैसे कोई मैथ होता है, साइंस होता है, जीके होता है, ये 3 पार्ट है आपके लिए, तो हो सकता है आपका साइंस ही स्ट्रॉन्ग ना हो, साइंस आप किए एग्ज़ाम्स में ठीक है, तो आपका हो सकता है आप लोगों को साइंस किसी का कुछ प्रॉब्लम हो, तब भी उसने 12 क्वेश्चन साइंस का अटेम्प्ट कर दिया, ये 12 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन राइट हुआ, 10 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में आपका ले गया, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपका 2.5 मार्क्स खा गया। तो हो सकता है आप लोगों को ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो, ऑप्शन आप लोग सही से पढ़े नहीं होंगे तो आपको ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन होगा, या फिर आप लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में मैं ये सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, बट घर में आके जब पता चलता है मार्क्स कम थे, मार्क्स कैसे कम हो गए, मैंने तो किया था क्वेश्चन,
तो ये सब बेसिकली कुछ रीजंस मैंने बता दिया, बट अब आपको इसके टैकल कैसे करना है। यदि आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं बट आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते तो कोई फ़ायदा नहीं। कितने इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं, औपचारिकता में पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ जैसे पढ़ो थोड़ा इंटरेस्ट लगाओ यार। जैसे गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आपने को क्या लगता है लक्ष्य क्या रहता है? लक्ष्य जो है जीत है, गोल करना लक्ष्य है। तो आपका लक्ष्य यहाँ पर सिलेक्ट होना है रिटन एग्ज़ाम में, तो ये लक्ष्य लेके चलिए, ना कि आपको एक औपचारिक में कि हाँ एग्ज़ाम्स देना है, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। आधे से ज़्यादा लड़के फॉर्म आने के बाद प्रिपरेशन करते हैं। कितने लड़के एडमिट कार्ड के बाद जोश में आ जाते हैं, हाँ एडमिट कार्ड आ गया था, 10 दिन में एग्ज़ाम है, अब तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको जोश में नहीं आना। आप समझिए, 4.5 लाख जो लड़के फॉर्म भर रहे हैं उनमें से जो 400 लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, 400 यानी समझिए 1200 जो लड़के सिलेक्ट होते हैं, वो इनमें से ऐसा कोई लड़का नहीं रहता होगा जिन्होंने जो फॉर्म आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया हो। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ है या आप ज़्यादा होशियार है, ये आप थोड़ा समझिए। कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्या बेवकूफ़ है या आप ही लोग चालाक है जो 1 महीना पढ़ के हो जाएगा? आप मेंटल आपके दिमाग को प्रेशर नहीं देना है। एज अ नॉर्मल प्रिपरेशन धीरे धीरे कीजिए, बट एज अ टाइम से कीजिए। एग्ज़ाम आने के बाद प्रिपरेशन नहीं होता, वो एक टेंशन होता है, वो एक औपचारिक में बस आप सिलेबस ख़त्म करने का चक्कर में रहते हैं। सिलेबस एक बार ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। पहली बात ये याद रखिए, सिलेबस को आपको 2 से 3 बार ख़त्म करना होगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। यही एक अच्छे स्टूडेंट का ये होता है कि एक बार उसने खुद से सिलेबस सेल्फ स्टडी किया किसी ने, उसने दूसरी बार तीसरी बार यूट्यूब से सिलेबस देख लिया, आपको जो टीचर अच्छा लगा हो आप देख सकते हैं, तो वो किया, वो एक सही तरीका है। बट आपको पढ़ाई, मैं तो बोलूँगा 6-7 घंटा बहुत इनफ है। नेवी एमआर एसएसआर का एग्ज़ाम्स निकल जाएगा, डबल ए का एग्ज़ाम्स निकल सकता है यदि कोई 6 से 7 घंटा पढ़ाई कर रहा हो तो। बट आपको फोकस चाहिए पढ़ाई के ऊपर, इंटरेस्ट लगा रहना चाहिए, मोड ऑफ क्वेश्चंस आप सिलेक्ट कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस होना चाहिए। हर चैप्टर्स को आपको क्वेश्चन करना है पूरा, 100% आपको सिलेबस कवर करना है, वो भी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके, एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का करना है जिससे आपका एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है क्लियर हो जाए, आपका माइंड रिफ्रेश हो। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, जीके एक तरीका से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट जैसे जीके पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ऐसा चीज़ें ना पढ़े जो आपके एग्जाम्स में ना हो। मेंटल एबिलिटी एक सही रहना चाहिए। आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब गाइड भी कोई करने वाला रहता है तो अच्छा है, मैं आप लोगों के लिए गाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या करना है, उनको मैं बकायदा बताता हूँ, वो पर्सनल मैसेज कॉल कर लेते हैं कि सर प्रॉब्लम यहाँ पर ही हो रही है, कैसे करना है। उनको मैं बड़ा भाई होने के नाते पूरे बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को करना है। अब आप लोग नहीं पूछेगा तो इसमें मेरा कोई गलती है? मेरा कोई गलती नहीं है। और आप लोगों को पढ़ना कैसे है, देखिए यदि आप साइंस में आप कमज़ोर है, पहला बात मैं साइंस से उठा रहा हूँ, ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम यही है। साइंस में आपको करना क्या है, साइंस में कॉन्सेप्ट क्लास कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लास जो कि मैंने करा रखा है, कॉन्सेप्ट आपको देखना है। एक बार देखने से कभी कोई चीज़ नहीं होता है, या आप एक बार में कभी साइकिल चलाना सीखते हैं नहीं सीखते हैं, एक बार में बाइक चलाना सीखते हैं नहीं सीखते हैं, एक बार में कार चलाना सीखते हैं नहीं सीखते हैं, तो एक बार में कैसे आप सिलेबस करके कवर करके सोच सकते हैं कि आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, ये बताइए। सेम चीज़ सभी जगह अप्लाई है, आपको सिलेबस 2 से 3 बार पढ़ना है, यानी कॉन्सेप्ट क्लासेज जो होता है उसको 2 से 3 बार आपको कर लेना है इस इंटरवल में। कि आपको दिक्कत क्या है हमको समझ में नहीं आता। मैंने अभी तक शायद 17 से 18 कॉन्सेप्ट क्लास कराया है, टोटल 25 कॉन्सेप्ट क्लास में हो जाएगा आपका सिलेबस ख़त्म एमआर का साइंस का बहुत अच्छे से। और ये मैं कर रहा हूँ 25 जो सिलेबस कवर करवा दूँगा, इसके बाहर से 12 में से 11 क्वेश्चंस मेरे यहाँ के कॉन्सेप्ट क्लास से आने वाले हैं। 11 क्वेश्चंस ये मैं आपको सिक्योरिटी के साथ आज बता रहा हूँ। पेपर आने के बाद मैं आप लोगों को फिर वीडियो बना के बताऊँगा कि ये क्वेश्चंस आया था। तो आप लोगों को वैसे प्रिपरेशन करना है, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ कि आपको वो दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट क्लासेस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, एक बात और बता दूँ, जैसे एक कॉस 25 जैसे वीडियोस है मेरे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास फिजिक्स नेवी एमआर के लिए, फिजिक्स बोल ले पूरा साइंस का है, तो 25 वीडियो को आप कितने सप्ताह में देख सकते हैं? देखिए 25 वीडियो, एक वीडियो में मिनिमम 18 मिनट लेके चल रहा हूँ, 18 मिनट, 10 वीडियो में आपको 180 मिनट लगने वाला है, मतलब समझिए 10 वीडियो 180 मिनट, फिर 10 180, मैंने 7 घंटा आपको लगेगा, कितना, 7 घंटा से आधा घंटा आपको बेसिकली यही टाइम लगने वाला है, मतलब एक पूरे साइंस के कॉन्सेप्ट क्लास को देखने में एक बंदे को बस 7 से 8 घंटा लगता है ओनली। वो आप वीक में यदि एक घंटा एक कॉन्सेप्ट क्लास को देते हैं रिवीजन के समय, तो समझिए आपका रिवीजन हो जाएगा, मतलब एक घंटा पर, मतलब एक घंटे में 3 से 4 कॉन्सेप्ट क्लासेस आपने कर लिया, तो आपके सप्ताह में कितना बार आपको रिवीजन हुआ ये बताइए, एक सप्ताह में एक बार। आपके अभी एग्ज़ाम्स तक कितना सप्ताह है? बहुत सप्ताह है, बट आपको मैंने ज़्यादा नहीं बोला, 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए। और बीच में क्या करना है, टॉप 500 मैंने करा रखा है साइंस के लिए, अभी बता रहा हूँ सिर्फ, टॉप 500 पूरा कर लेना है आपको, इसको भी रिवीजन करना है, सेम प्रोसेस, इसमें 20 वीडियोस रहेगा जिसको आप 6 घंटा में या 5 घंटा में कवर कर सकते हैं, सप्ताह में एक भी एक एक घंटा करके पढ़े तो 5 दिन में ये कवर हो जाएगा। एक घंटा मतलब 60 मिनट यदि नहीं निकाल सकते हैं तो 45 मिनट ही निकालिए, स्पीड इंक्रीज़ कर दे, ज़्यादा दिक्कत हो तो स्पीड इंक्रीज़ करके देख ले, बट ये कॉन्सेप्ट क्लासेस के बाद ये ज़रूर आपको करना है, पहले भी कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने ये सब कर लिया तो देखिए टॉप 500 का मैंने बात किया, देन आपको टेस्ट जो मैं सुबह लेता हूँ, टेस्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट में से पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए मैं इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा दे रहा हूँ। टेस्ट आपको जो मैंने करवाया है अभी 21 से 22 टेस्ट, उसको करना है, और उसको भी एक इंटरवल में रिपीट करना है, सप्ताह में शुरू के 5 टेस्ट कीजिए रिपीट, देखिए कि उसमें आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका सेकेंड बार जब आप टेस्ट लीजिएगा 25 में से 24 क्वेश्चन हर टेस्ट में सही होना चाहिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फिर अगले सप्ताह जब उसको फिर दीजिए, फिर देखिए 25 में से 25 हो रहा है कि नहीं, मतलब आपका हर क्वेश्चन में कमांड होना चाहिए, जो कि टेस्ट में मैं ले रहा हूँ टॉप 500 जो करवा रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने किसके लिए बताया, साइंस के लिए। अब मैं मैथ्स के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ, मैथ्स के लिए जो आपका 12 चैप्टर मैंने एक वीडियो में बताया है उस चैप्टर्स को कीजिए, जैसे ये 12 चैप्टर्स को करने में आपको 15 दिन भी नहीं लगेंगे, 12 दिन पकड़िए हर चैप्टर्स का एक दिन, तो मतलब हर 12 दिन में आपका एक बार रिवीजन होना चाहिए, मतलब हर महीने में हर 36 दिन में 3 बार रिवीजन हो जाएगा आपका मैथ, मैथ्स का मैंने बता दिया। देन आपका जीके मैंने एक बुक बताया था मनोहर पांडे, उसको बाय सबको करना है, 30 रुपया दाम है, ठीक है, उस बुक को भी सप्ताह में रिपीट करना है। जीके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको जाना है, वो प्लेलिस्ट में जो मैंने टॉपिक डेली करवा रहा हूँ उसका वीडियो है, उस वीडियोस को देखना है, डेली टेस्ट देना है जीके का जो टेस्ट आता है, और क्या करना है, टॉप 200 क्वेश्चन मैंने जीके का करवा रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको करना है, हिस्ट्री का 33 मिनट का वीडियो बना के रखा है जिसमें पूरे हिस्ट्री को कवर है, वो करना है, टॉप 1000 जीके करा के रखा है उसको करना है, तो ये सारे कितने सारे मैंने आपको बता दिया। और अभी जीके का और क्लासेस आने वाला है, जैसे मैं हिस्ट्री का भी सोच रहा हूँ, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास के 200 क्वेश्चंस करवाऊँ, तो वहाँ पर हिस्ट्री के 600 और क्वेश्चंस ऐड करूँगा, ये सब मैं करवाने वाला हूँ, आगे वाले प्लान में है, तो ये सब आपको करना है। तो आप यदि इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, यही एक अच्छे स्टूडेंट के प्रिपरेशन का है। मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, जिसको प्रॉब्लम हो कोई भी चीज़ में डायरेक्ट टेलीग्राम में मुझसे, मेरे ग्रुप से जुड़ के मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने के लिए बैठा हूँ। कोई भी हेल्प चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैथ्स का मैंने PDF दे दिया है जिससे आपको करना है, जो इम्पोर्टेंट होता है मैंने ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट दिया है वो कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया, बायोलॉजी का भी मैंने नोट्स दे दिया है, आप कीजिएगा तब ना यार,
आपको सिलेक्शन लेना है बट आपको मन नहीं होगा तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा। तो यही बेस्ट तरीका है, मैंने आपको बताया कैसे आपको 6 घंटा ना भी पढ़ के 4 घंटा भी दीजिएगा, अभी से भी 4 से 5 घंटा, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये याद रखिए। बट आपको देना है और मेरे साथ कोऑपरेट करके जो मैं बताऊं वैसे आपको करना होगा। जितने भी यदि अंत तक मेरे साथ 10 से 15 लड़के भी रहते हैं तो उसमें से सबका सिलेक्शन हो जाएगा। देन आप लोग समझिए आप लोगों को क्या करना है। पिछली बार ऑफलाइन बैचेस में मेरे कम से कम बोल रहा था मैं 2 ही लड़कों को गाइड कर पाया था, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था, तो वो दोनों लड़के सेलेक्ट हो गए। देन वो दोनों अभी कहाँ है, चिल्का में है, ट्रेनिंग में है, नेवी एमआर के चिल्का ट्रेनिंग में है। पिछले बार कि इस बार अभी नेवी एमआर चिल्का ट्रेनिंग नहीं गया है, पिछले बार में थे वो लोग। तो आप लोगों को भी कुछ गाइड कर दूंगा यदि आप लोग चाहे तो, नहीं चाहिएगा तो कोई बात नहीं। बाकी तो आप बहुत सारे यूट्यूबर से आप लोग भी जानते हैं क्या कौन करता है, कितना कौन प्रिपरेशन आपको करवा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, क्लासेस के साथ ही मिलते हैं।